स्पोर्ट्स टॉक विद इकरामुल्ला के साथ आपको खुश आमदीद किया जाता है। आज जो मेरा प्रोग्राम है उसमें हम बात करेंगे टेनिस के हवाले से। टेनिस का एक नौजवान खिलाड़ी आज मेरे साथ मौजूद है, उससे पूछेंगे कि टेनिस में आने का उनका मकसद क्या था और मुल्क कौम का नाम रोशन करने के लिए किस कदर तगोदौ जो है वो एक खिलाड़ी को करनी पड़ती है। टेनिस के हवाले से हमारे पाकिस्तान को जो नामवर खिलाड़ी हैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए खिलाड़ी किस तरह अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो है वो उनकी लाइफ कैसे होती है, आज आपकी जो मुलाकात है वो मैं ऐसे ही एक टेनिस खिलाड़ी से करवाने जा रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं टेनिस के खिलाड़ी हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में खेल भी चुके हैं और अपना मुल्क का नाम जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में रोशन कर रहे हैं। जी उसैफा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप किस किस मुल्क में खेल चुके हैं और कौन से एजाजात जो आपने हासिल किए हों। मैं कतर, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, अमेरिका जैसे और भी बहुत मुल्क हैं, मेनली इन मुल्कों में मैं खेला हूँ। और ITF जूनियर्स के 3 टाइटल मैंने जीते हैं पाकिस्तान में, वो मेरा सबसे बड़ा एजाज़ है इस वक्त तक। अच्छा, आपका जो पसंदीदा खिलाड़ी है टेनिस के हवाले से, जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप देख के टेनिस में आए हैं, तो वो कौन है? मैं रॉजर फेडरर को पसंद करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है वो आप प्रैक्टिस कहाँ पर कर रहे हैं? जी हाँ, मैं अभी 6 महीने के बाद आया हूँ पाकिस्तान। अमेरिका में मैं ट्रेनिंग करता हूँ। जी, अमेरिका में किस जगह पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कौन सा क्लब? मैं नेक्स्ट जनरेशन टेनिस एकेडमी में ट्रेनिंग करता हूँ, वो सैरासोटा फ्लोरिडा में है। अच्छा, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल भी होती है, एक तरफ से तो खिलाड़ी की अपनी स्ट्रगल होती है, दूसरी जानब उसके पेरेंट्स उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आपको जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने किस कदर आपको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी, जिधर अभी मैं हूँ ये मेरे पेरेंट्स की वजह से ही हूँ और उन्होंने मुझे जितना वो कर सकते हैं वो हमेशा किया और हमेशा करते रहेंगे, तो मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपकी शर्ट के ऊपर आर्मी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मकसद है? जी, मैं आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, तो सारे जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो आर्मी लेती है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपको आर्मी सपोर्ट कर रही है। जो टेनिस है बहुत एक थकन वाला खेल भी है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होना पड़ता है, तो आप ज़रा जो यंग खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? कहूँगा कि फिटनेस, जितनी टेनिस की गेम ज़रूरी है उसके साथ साथ फिटनेस भी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि लंबे मैच, लंबी रैलियाँ वो खेलने के लिए आपको फिटनेस, गेम के साथ साथ फिटनेस की भी बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमती सरपरस्ती किस कदर अहम है टेनिस के हवाले से, हमें देखने में नज़र आता है कि हमारा जो कौमी सतह पर भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है वो शायकीन जो हैं वो क्रिकेट के होते हैं, तो क्या टेनिस के प्लेयर्स के लिए भी हुकूमती सरपरस्ती उतनी है जितनी बाकी खेलों के हवाले से है? टेनिस पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट काफ़ी अच्छा है, तो अगर हुकूमत टेनिस की तरफ भी आए तो इंशाल्लाह हम भी बहुत अच्छे हो सकते हैं टेनिस में। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो टेनिस, क्योंकि आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो स्पोर्ट्स मैन रहे हैं और वो स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इल्म जो है बाकी हमारे गुज़िश्ता जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं उनसे ज़्यादा रखते हैं, तो आपको उम्मीदें भी उनसे ज़रा ज़्यादा होंगी, क्या कहेंगे? जी, उम्मीदें तो हैं और मेरे ख़्याल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान टेनिस में, बस फैसिलिटीज़ हमें बेहतर मिलें, हुकूमत सपोर्ट करे, तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे हो सकते हैं। थैंक यू हुज़ैफ़ा आपके कीमती वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा का कहना यह है कि खिलाड़ियों के हवाले से ख़ास तौर पे टेनिस की अगर मैं बात करूं तो टेनिस के लिए हुकूमत को जो है सरपरस्ती करने की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बैकग्राउंड जो है वो भी खेल से है और एक खेल से बैकग्राउंड रखने वाला वज़ीर आज़म ही एक स्पोर्ट्स मैन की ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में समझ सकता है। स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए, स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए नया टैलेंट जो है वो बेताब है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं पेश उनको ख़त्म किया जाए और हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए और उन तमाम नए आने वाले खिलाड़ियों को जो बड़ी मेहनत और लगन से जो है खेल को आगे ले जाना चाहते हैं लेकिन उनको हुकूमती सरपरस्ती ना मुयस्सर होने के बायस जो है उनकी जो मेहनत है वो रायगां जाती है, इसलिए हुकूमत से खिलाड़ियों की यही अपील है कि स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए सरपरस्ती जो है हुकूमती वो इंतहाई अहम है। आपको मेरा प्रोग्राम ये कैसा लगा मुझे फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।